दोस्तों मैं अभी यहाँ पर एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो CSS है उसमें इस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक सिलेक्टर, वो होता है कोई टैग, और उसके बाद आपको ब्रशिस में लिखनी पड़ती है। सबसे पहले लिखनी पड़ती है एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज। एक बार अगर आपने उनकी प्रॉपर्टीज लिख दी तो उसी के साथ आपको कॉलम कर कॉमा करके उनकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती है जो आप उसे असाइन करना चाहते हो। दोस्तों इसी तरह अगर आप मल्टीपल वैल्यूज और प्रॉपर्टीज को असाइन करना चाहते हो तो यहां पर आपको करना पड़ता है कॉमा, और उसी के उसके बाद आप मल्टीपल वैल्यूज भी यहां पर असाइन करते हो। दोस्तों इसी तरह से CSS का पूरा नॉलेज दिया जाता है, इसी तरह से सारी स्टाइल्स डिफाइन की जाती है। दोस्तों सिलेक्टर में किस किन चीजों का इस्तेमाल हो सकता है, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्टर हो सकता है आपका H1 टैग, हो सकता है आपका टेबल टैग, या फिर हो सकता है आपका बॉडी टैग, या फिर हो सकती है आपकी एंकर लिंक, या फिर हो सकती है आपकी इमेज। यहाँ पे कुछ भी, जितने भी HTML में टैग यहाँ पर प्रेजेंट है, div है, span है, वो सब कुछ आप यहाँ पर एज अ सिलेक्टर लिख सकते हो। दोस्तों इसी के साथ कुछ यूनिवर्सल भी प्रोवाइड की जाते हैं आपको, जो है स्टार, जिसकी मदद से दोस्तों आपने जितने भी टैग यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं उन सब में ये स्टार लग जाने वाला है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पर डिवीजन यूज किया है, स्पान यूज किया है, यहाँ पर मैंने ये टाइटल यूज किया है। सब में इन स्टार के जरिए मुझे इतना करना है कि यहाँ पे लिखना है स्टार, और ब्रेसिस के साथ यहाँ पर मुझे प्रोवाइड कर देनी है उसकी वैल्यूज। तो वो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सब में चला जाएगा। दोस्तों टाइटल में भी चला जाएगा, अगर यहाँ पर मैंने कोई मेटा डेटा यूज किया है यहाँ पर, तो उस मेटा डेटा में भी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको नहीं पता मेटा डेटा क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने पूरा अच्छी तरह से बताया हुआ है। और दोस्तों और एक बात आती है दोस्तों, ये स्टार सब पे अप्लाई होता है। और एक सिलेक्टर आता है दोस्तों बॉडी, अगर आप बॉडी में कुछ भी प्रोवाइड करते हो यहाँ पर, तो वो सिर्फ यहाँ बॉडी के अंदर जो हमारा ये बॉडी टैग है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब पे वो लागू होने वाला है। दोस्तों एक बार एक के बाद एक मैं आपको यहाँ पर रन करके सब कुछ बता देता हूँ दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और जिसे नाम दे देता हूँ मैं CSS स्टाइल, CSS. मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ उसको style.css। दोस्तों ये हो गई हमारी एक्सटर्नल फाइल। दोस्तों हम यहाँ इंटरनल हम है ना दोस्तों, तीन तरीके से CSS को डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों हम इनलाइन CSS लिख सकते हैं, हम यहाँ पर यहाँ पर स्टाइल से भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनलाइन कैसे दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो H1 टैग है हमारा, उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स यहाँ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ रेड। आप देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर स्टाइल, इसे दोस्तों कहते हैं इनलाइन, क्योंकि हमने जो हमारा टैग है उसी की लाइन में स्टाइल प्रोवाइड कर दी है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको सेव, और यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों जो बैकग्राउंड कलर है गेम ऑफ थ्रोन का वो हो चुका है यहाँ पर रेड। दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी जगह पर दे सकते हो, चाहे कि मैं यहाँ स्टाइल दे देता हूँ दोस्तों। अब मुझे सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा कलर, और कलर दे दूंगा मैं रेड। इसको सेव करके जैसे ही रन करूंगा आप देख सकते हो जो मेरा एंड फुटर है वो यहाँ पर हो चुका है दोस्तों रेड। इसे दोस्तों कहते हैं इनलाइन CSS। उसी तरह दोस्तों आप एक टैग के यूज से भी कर सकते हो जिसका नाम है स्टाइल। आप देख सकते हो दोस्तों इनलाइन यहाँ पर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS ऑटोमेटिकली आ चुका है। दोस्तों अब जिस तरह से मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से सिलेक्टर की मदद से आप इसे कर पाते हो, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पैराग्राफ है मैं उस पैराग्राफ की साइज को, फॉन्ट जो फॉन्ट साइज है उसे इंक्रीज करने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ये साइज इतनी है। मैं अगर इस पे साइज को दोस्तों कर दूँ 20 dp, और यहाँ पे कर दूँ इसको क्लोज, तो मैं जैसे यहाँ पे सेव करके यहाँ रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हो उसकी साइज हो चुकी है 20 dp। पैराग्राफ जितने भी है उन सबकी साइज हो चुकी है यहाँ पर 20 dp। उसी तरह से मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट मुझे सिर्फ कलर लिखना है, अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कलर इसका कर देता हूँ दोस्तों टिल। जैसे मैं इसको यहाँ पे सेव करके रन करूंगा आप देख सकते हो दोस्तों जितने भी पैराग्राफ यहाँ पर मेरे हैं यहाँ पर वो सारे हो चुके हैं टिल कलर में। आप देख सकते हो यहाँ पर उन लोग का टेक्स्ट का कलर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी तरीके से आप इनलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हो, स्टाइल टैग की मदद से भी कर सकते हो, और दोस्तों आपको एक्सटर्नल फाइल में भी इसे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से इसे कट करके यहाँ पे दे देता हूँ दोस्तों Ctrl+S। अब दोस्तों जिस तरह से हमने वो फाइल यूज की है उसकी लिंक हमें यहाँ पर हेडर में
इसे यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। दोस्तों आप यहाँ पे लिख दीजिए लिंक और ये लिंक पर एंटर कर दीजिए। कुछ प्रीरिक्विजिट जो रेफरेंस होते हैं वो आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे और आपको एचआरईएफ में जो आपकी स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल है उसकी यहाँ पर लिंक दे देनी है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी जो स्टाइल फाइल है वो डायरेक्टली इसी फोल्डर में है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर अपना स्टाइल का नाम लिख कर भी असाइन कर सकता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस। दोस्तों आप देख सकते हो अगर मैं इसे यहाँ पर अभी कमेंट आउट कर दूं और इसे सेव करके यहाँ पे रन करूं तो देख सकते हो दोस्तों जो कलर था यहाँ टेक्स्ट का वो निकल चुका है। दोस्तों मैं सबसे पहले इनलाइन को हटा देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैं यहाँ से फूटर में से भी इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कंट्रोल एस, आप देख सकते हो ये पूरा टेक्स्ट है वो प्लेन हो चुका है। अब दोस्तों जैसे ही मैं इस कमेंट को यहाँ से हटाऊंगा और रिफ्रेश कर इसे सेव करके फिर से रन करूंगा, आप देख सकते हो जो पैराग्राफ पर मैंने जो प्रॉपर्टी यहाँ असाइन की थी वही प्रॉपर्टीज यहाँ भी इसे मिल चुकी है। अब दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह से आप किन किन तीन तरीके से स्टाइल को असाइन कर सकते हो। और उसी के साथ दोस्तों अब हम शुरू करते हैं सिलेक्ट टाइप्स के बारे में।